में जो हमारी जो टीम है, ये स्पेशल जो टीम है डिस्ट्रिक्ट की, वो कल शाम के समय जो है त्वारघाट के एरिए में की है। तो जो इन्होंने जो है शक के आधार पर जो एक व्यक्ति त्वारघाट के साथ ही ये जगह है जो पुराने वाला जो नेशनल हाईवे है पुराना जो एक्साइज बैरियर के पास ये वहाँ पर सुराग बारी में थे। तो एक व्यक्ति जो है जिसका नाम है सुनील उर्फ सल्लू, जो सोलन जिले के नालागढ़ तहसील के अंतर्गत स्वारघाट के एरिए के पास से ही है, ये लुकते छिपते हुए वहाँ से निकल रहा था जब इसकी तलाशी ली तो इसके कब्जा से 21.83 जो ये चिट्टा जो है बरामद हुआ है। और जिसमें जो है ये जो चिट्टा है 21.83 ग्राम जो है इसे सीज कर लिया गया है और थाना स्वारघाट में जो है इसके विरुद्ध जो है सुनील के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश जो है थाना स्वारघाट के द्वारा इसमें करवाई जा रही है। इसमें थाना तलाई की एक टीम जो है कलोल के एरिया में जो है ये गश्त पे थी और गश्त के दौरान जो है इन्होंने एक जो ये कार थी, कार को जो इसमें रोका गया जो और इसकी तलाशी ली गई। तो कार की तलाशी के दौरान जो है कार में जो है 10 पेटियाँ थी, ये BRB संतरा है जिसका कोई परमिट जो कार चालक के पास नहीं था, तो जिसके अंतर्गत जो है आबकारी अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत जो है थाना तलाई में जो है ये मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसमें जो है कार चालक का नाम जो अक्षय कुमार ये मालूम हुआ है जो वही झुंझुनू कलोल का रहने वाला है और थाना तलाई में इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया और आगे की तफ्तीश की जा रही है। अभी ये लगातार चल रहा है, इसमें ज़िले में जो है हर जगह पर जो है नाकाबंदी की जा रही है और जो हमारी जो विशेष टीम है वो समय समय पर इसमें जो छापेमारी भी कर रही है और नाकाबंदी भी कर रही है। तो इसी तरह से जो हमारे जो जिला पुलिस अधीक्षक श्री संदीप धवल साहब के निर्देशानुसार जो है पूरा जिले को जो है इसमें जो है सक्रिय किया गया है।